हेलो दोस्तों, फाइनली टाटा कंपनी जल्द ही लॉन्च करने वाली है अपकमिंग 2023 टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट को इंडियन फोर व्हीलर मार्केट में। और रिसेंटली इस अपकमिंग फेसलिफ्ट को स्पॉट किया गया है टेस्टिंग के दौरान इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट पॉइंट इस अपकमिंग टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसके फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशंस, लुकिंग और डिजाइन और सभी चीजें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, इसका पहला पॉइंट है इसकी लुकिंग और डिजाइन। डेफिनेटली टाटा कंपनी की अपकमिंग फेसलिफ्ट हमें स्पोर्टियर लुक एंड डिजाइन में देखने को मिल सकती है, क्योंकि टाटा कंपनी ने इसके बॉडी पैनल्स में स्पोर्टियर एलिमेंट्स का यूज किया है, खास करके इसके फ्रंट सेक्शन में। और इस अपकमिंग फेसलिफ्ट में हमें कर्वी डिजाइन भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यह बेस्ड ऑन है कर्वी कॉन्सेप्ट में। और एक स्पोर्टियर वाइब देखने को मिल सकता है इस अपकमिंग टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट में। तो दोस्तों, इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है इसके फीचर्स। तो डेफिनेटली टाटा कंपनी ने इस अपकमिंग टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट में हमें काफी सारे न्यू फीचर्स भी ऑफर किया है, और फीचर्स में हमें काफी सारे न्यू चेंजेस और मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही नए फीचर्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इसके फ्रंट सेक्शन को। तो फ्रंट सेक्शन में हमें न्यू डिजाइन में फ्रंट ग्रिल्स ऑफर किया जाएगा, और इसमें हमें स्प्लिट हेडलैम्प देखने को मिलेंगे जो कि कनेक्टेड है LED DRLs के साथ में। न्यू एयर डैम और इसके फ्रंट और रियर दोनों साइड के बंपर में हमें थोड़ा बहुत चेंजेस और मॉडिफिकेशंस देखने को मिल सकता है। रियर सेक्शन में भी हमें अनयूजुअल सिग्नल टर्न इंडिकेटर्स, रियर वाइपर और एक नया फीचर मिल जाएगा जो कि है LED टेल लाइट। तो ये सभी फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। और साइड सेक्शन में हमें कुछ ज्यादा चेंजेस और मॉडिफिकेशंस देखने को नहीं मिलने वाला है, पर टाटा कंपनी इसमें हमें न्यू डिजाइन में अलॉय व्हील्स ऑफर करने वाली है इस अपकमिंग 2023 टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट में। और साथ ही इस अपकमिंग फेसलिफ्ट के टॉप सेक्शन में हमें रूफ रेल और सार्क फाइन एंटीना भी ऑफर किया जाएगा टाटा कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों, इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है इसके इंटीरियर और फीचर्स। तो डेफिनेटली टाटा कंपनी ने इसके इंटीरियर और इंटीरियर फीचर्स में काफी सारे चेंजेस और मॉडिफिकेशंस किया है, और हमें न्यू फीचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं इस अपकमिंग फेसलिफ्ट में। मेनली चेंजेस देखने को मिलेगा इसमें हमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जा रहा है, जो कि आने वाला है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी के साथ में। और इसके अलावा इसमें हमें न्यू 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑफर किया जाएगा। और इस फेसलिफ्ट का डैशबोर्ड और सेंट्रल कंसोल हमें ब्लैक डॉट फिनिश में देखने को मिलने वाला है, साथ ही इसकी जो सीट है वो हमें पर्पल कलर में देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा इसके स्टेयरिंग व्हील में भी हमें चेंजेस देखने को मिलने वाला है। टाटा कंपनी इसमें हमें 2-स्पोक्ड स्टेयरिंग व्हील ऑफर करने वाली है, जिसमें हमें काफी सारे फंक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। और सेफ्टी फीचर्स के रूप में एक बड़ा चेंजेस ये देखने को मिल सकता है कि टाटा कंपनी इस अपकमिंग फेसलिफ्ट में हमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी ऑफर कर सकती है। अगर कंपनी ऑफर करती है तो डेफिनेटली ये एक बेस्ट फेसलिफ्ट होने वाली है इंडियन फोर व्हीलर मार्केट में। इसके अलावा इसमें हमें सनरूफ, बिल्ट इन एयर प्यूरिफायर, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और भी काफी सारे बेसिक और सेफ्टी फीचर्स ऑफर किया जाएगा इस अपकमिंग 2023 टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट में। तो दोस्तों, इसके बाद इसका चौथा पॉइंट है इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस। और टाटा कंपनी ने इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस में भी चेंज किया है, हालांकि इसमें हमें डुअल इंजन यूनिट देखने को मिल सकता है। पहला इंजन यूनिट है वो होने वाला है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन यूनिट, जो कि जनरेट करने वाला है 125 पीएस का पावर, और उसके साथ ही 225 न्यूटन मीटर का पीक आउटपुट टॉर्क भी प्रोड्यूस करने वाला है। और इसका जो दूसरा इंजन यूनिट है वो है 1.5 लीटर डीजल इंजन यूनिट, जो कि जनरेट करेगा 115 एचपी का पावर और 260 न्यूटन मीटर का पीक आउटपुट टॉर्क। तो डेफिनेटली इन दोनों ही इंजन यूनिट में हमें पावर और परफॉर्मेंस दोनों ही अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है इस अपकमिंग 2023 टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट में। तो दोस्तों, इसके बाद इसका पांचवा और लास्ट पॉइंट है इसकी लॉन्चिंग डेट और प्राइसिंग। रिसेंटली इसकी प्राइसिंग और लॉन्चिंग डेट दोनों ही कंफर्म नहीं हुई है, पर इसकी एक्सपेक्टेड एक्सोरूम प्राइसिंग हमें देखने को मिल सकती है लगभग 8 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक। और ये अपकमिंग फेसलिफ्ट जल्द ही लॉन्च होने वाली है इंडियन फोर व्हीलर मार्केट में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।